नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी भाई। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान को लेकर। आमिर खान अपनी बेटी इरा खान के शादी को लेकर खूब चर्चा का कारण बने हुए थे। लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था कि भाई आमिर खान की बेटी इरा खान और उनके दामाद नुपुर को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि मुंबई में पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की, जो बड़े ही अनोखे अंदाज में देखे गए। यहाँ पर दूल्हे को बड़े ही डिफरेंट लुक में देखा गया और यहाँ पर एरा भी बहुत ही जो है कैजुअल लुक में दिखाई दी। अब ऐसे में रीना दत्ता जो एरा की मदर हैं और आमिर खान की एक्स वाइफ, उन्होंने हाल ही में बेटी को लेकर एक बेहद ही इमोशनल पोस्ट साझा किया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर माँ बेटी की बॉन्डिंग अच्छी बनती है तो माँ और बेटी एक दूसरे का सहारा होते हैं। माँ और बेटी एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जहाँ पर वो अपनी सारी बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं रीना दत्ता भी अपनी बेटी एरा को लेकर खूब भावुक होती दिखाई दी हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि हालांकि यहाँ पर रीना दत्ता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या कुछ डाला, पोस्ट किया और उसके बाद खूब भावुक होते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है उनका ये पोस्ट फैंस के दिलों को छू रहा है और हर एक शख्स यहाँ पर एरा को लेकर और उनकी मम्मी रीना दत्ता को लेकर तमाम बातें करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से रीना दत्ता इमोशनल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। आमिर खान की लाडली इरा खान और नुपुर शिखारी की शादी खूब चर्चा में रही। 3 जनवरी को मुंबई में रजिस्टर मैरिज करने के बाद इस खूबसूरत जोड़े ने उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग को किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस भव्य शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाती हुई दिखाई दी। ऐसे में आपको बता दें कि भाई बेटी एरा को लेकर जो है अब माँ रीना दत्ता काफी ही इमोशनल हो चली हैं। वहीं शादी के बाद आमिर खान की एक्स वाइफ रीना दत्ता ने अपनी लाडली के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा। शुक्रवार को रीना दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की एक अनसीन फोटो को शेयर किया। अपनी फोटो पर वो जो है बेटी पर जमकर प्यार लुटाती दिखाई दी। उन्होंने लिखा कि मुझे पता है तुम्हारा सहारा मेरे साथ हमेशा रहेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, माय बेबी गर्ल। वहीं रीना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रीना के इस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई हो, मानो ऐसा लग रहा है फैंस इस खूबसूरत तस्वीर पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। वहीं आयरा ने भी कमेंट करते हुए लिखा, ओ मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, मैं जानती हूँ इसलिए मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। इस फोटो में आयरा अपने पिता आमिर खान के साथ एक प्यारा पल शेयर करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बेटी के खास पल को देखकर बेहद ही खुश नजर आ रही हैं यहाँ पर उनकी माँ रीना दत्ता। वहीं खान परिवार में सेलिब्रेशन अभी भी जारी है। जी हाँ, 13 जनवरी को यानी कि कल ही जो है कपल का एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखा गया है, जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारे शिरकत लेते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि आमिर खान की बेटी के रिसेप्शन अंबानी के एनएमएक ग्राउंड में होगा। सूत्रों के अनुसार इस वेडिंग रिसेप्शन में 2500 से ज्यादा गेस्ट शामिल हुए थे। वहीं आमिर ने भी अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर को नहीं छोड़ा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने एक खास मेन्यू भी लिस्ट में तैयार किया था।
और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि माँ बेटी की जो जोड़ी होती है वो अक्सर ही बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत जोड़ियों में से एक रहती है, क्योंकि आपकी माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, जहाँ पर आप अपनी माँ के साथ ढेरों चीज़ों को जो है शेयर भी करते हैं। अब ऐसे में जहाँ पर एरा का रिसेप्शन भी हो चला है, बॉलीवुड के तमाम सितारे बताए जा रहे हैं एरा के रिसेप्शन में पहुँचे थे, तो कहीं ना कहीं देखा गया था कि एरा भी बेहद ही ग्लैमरस अंदाज में दिखाई दी हैं, जहाँ पर उन्होंने लाल जोड़े को पहना हुआ था। और वहीं अगर नुपुर की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखाई दिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं एरा की माँ रीना दत्ता भी लाल कलर की साड़ी में दिखाई दी, तो वहीं आमिर खान को भी देखा गया। आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और जो है एरा खान के बेहद ही करीबी लोग भी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर बच्चन परिवार को भी देखा गया, जहाँ पर जया बच्चन से लेकर श्वेता और सोनाली बेंद्रे तक दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लगातार जो है वीडियोस का दिखा जा रहा है कि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जहाँ पर एक ग्रैंड रिसेप्शन आमिर खान की तरफ से रखा गया था और बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम जो हैं सितारे इस रिसेप्शन पार्टी में शिरकत करते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि भाई पहले मुंबई में जो है एक रजिस्टर्ड शादी करना और फिर उसके बाद उदयपुर में 4 दिन के लिए एक ग्रैंड वेडिंग को रखा गया, और अब फिर मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रखी गई, जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारे शिरकत करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं इसी बीच अपनी बेटी को लेकर खूब इमोशनल होते हुए रीना दत्ता को देखा गया, और ये यकीनन ही कहना भी गलत नहीं होगा कि ये बेहद ही लाजमी बात है, क्योंकि जो बेटी इतने टाइम तक अपने माँ बाप के साथ रहती है और फिर अचानक से वो एक नई दुनिया एक नए लोगों के बीच में चली जाती है, तो ये लाजमी है कि माँ बाप को चिंता हर वक्त ही उसकी सताती ही है। तो भाई फिर मगर अभी भी जिस चिंता में है रीना दत्ता, हम तो यही कहेंगे कि जो है बेटी खुश रहेगी तो माँ भी अपने आप खुश दिखाई पड़ेंगी। तो देखा आपने हमारे इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार रीना दत्ता अपनी बेटी को लेकर भावुक हुई। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा साया हमेशा मेरे साथ रहेगा। यकीनन ही अब जहाँ पर आमिर से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया, हालांकि शादी में दोनों ही पत्नियों को देखा गया, एक तरफ किरण भी मौजूद रही तो दूसरी तरफ रीना दत्ता भी मौजूद रही, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया कि आमिर खान का पूरा परिवार दिखाई दिया। हालांकि रीना दत्ता से नहीं आमिर खान की बनी थी इतनी ट्विनिंग, जिसके चलते उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला लिया था, तो वहीं बेटी की शादी के मौके पर पूरे परिवार वालों को एक साथ देखा गया। और साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह भी देखा गया कि बड़े ही अनोखे अंदाज में कोई जो है फैंस ने बहुत ज़्यादा फैंस निराश रहे, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब जोधपुर में जो शादी का पूरा समारोह रहा है वो मराठी स्टाइल में हो सकता है, मगर वहाँ पर भी एक क्रिश्चियन वेडिंग देखी गई और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इनके आउटफिट्स रहे उसको लेकर भी खूब ट्रोलिंग का सिलसिला आमिर खान की फैमिली को भुगतना पड़ा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।